नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में एक एम्बुलेंस में मरीजों के बजाय सब्जियों मिलने का मामला सामने आया है। यहां मुहाना मंडी में खड़ी एम्बुलेंस का इस्तेमाल सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ये एम्बुलेंस SDMH नर्सिंग कॉलेज की बताई जा रही है। नवतेज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एम्बुलेंस के वाहन चालक से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अजय तो कभी कभी आ रही है, आती नहीं गाड़ी है। तो एम्बुलेंस में सब्जी ले जाना कितना सही है गलत है? गलत है बड़ा, वो आते नहीं तो गाड़ी हमारी और गाड़ी आती है कोई इमरजेंसी में आई, लड़के को जरूरत पड़ गई इसलिए। अच्छा, वो इमरजेंसी सब्जी कहाँ जा रही है? सीतापुरा जाएगी। सीतापुरा कहाँ? नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग कॉलेज कितनी सब्जी ले जाते हो यहाँ से? ये तो भरी गाड़ी में जो है। तो रोजाना सब्जी लेने यहाँ गाड़ी आती है या कभी कभी? नहीं, पिकअप आती है सब हमारे। पिकअप आती है, लेकिन आज क्या हुआ? आज कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ गई लड़के को, एडवांस खाने के लिए इसलिए आई। अजमेर के अराई तहसील में परिवादी की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो के कर्मचारियों ने स्टाम्प वेंडर और एक तहसील के लिपिक को 24,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं दोनों को गिरफ्तार कर अराई पुलिस थाने में लाया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बदले रिश्वत मांगी थी। अब ACB के उपाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में दोनों से पूछताछ की जा रही है। बूंदी जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी आर्म्स एक्ट और दूसरे पर एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। खबर डिडवाना से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर संवेदनशील समस्याओं के निस्तारण के लिए उपखंड अधिकारी JP बैरवा को पंचायत समिति पर जनसुनवाई की गई, जिसमें ज्यादातर सड़क बिजली पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे छाए रहे। इस दौरान मकराना विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने तमाम क्षेत्रों में फैली समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। खबर बीकानेर से है, जहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक सीताराम जाट ने सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान भर्ती में 45,500 स्कूलों को और अच्छे तरीके से संचालित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में नामांकन को देखते हुए नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने नवतेज टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा, राज्य सरकार की योजनाओं की जो शिक्षा से संबंधित है उन्हें त्वरित गति से लागू करते हुए उन पर काम किया जाएगा। इसी पर खास बातचीत की नवतेज टीवी ब्यूरो चीफ KK सिंह ने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में, जहां पर ज्वाइनिंग की है IAS अधिकारी सीताराम जाट, जो कि बीकानेर ज्वाइन करने के बाद आज हमारे साथ हैं। बात करना चाहेंगे, पूरे राजस्थान भर में 45,500 स्कूल हैं, उन स्कूलों में किस तरह से अब आने के बाद में प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, हम बात करें किसी भी समाज के विकास की, मानव के विकास की और देश के विकास की, तो उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी को शिक्षा मिले, समावेशी शिक्षा मिले और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए हम साथ में कोशिश ये करेंगे कि बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग मिले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मिले और साथ में बच्चों को हम शिक्षा में रचनात्मकता और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो ग्रहण कर सके और आगे जा करके देश के अच्छे नागरिक बन सके और काबिल बन सके। सीताराम जी, एक बड़ी समस्या नामांकन की भी है, क्योंकि अब जैसे जैसे कोविड काल था, कोविड में हमारे नामांकन भी खूब भरे गए थे, अब स्थिति यह है कि नामांकन कम से कम वापस प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं बच्चे, इन सबको देखते हुए नामांकन को किस तरह से सुधारना चाहेंगे आप? देखिए, राज्य सरकार का शुरू से फोकस रहा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्कूल में आए। इसके लिए कई तरह के इंसेंटिव्स और छात्रवृत्तियाँ और कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे। और अभी ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली कोई बड़ा चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हम इसमें और भी जो भी सुधार कर सकते हैं ज़्यादा बढ़ाने के लिए, नामांकन के लिए प्रयास करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें और जो, चूंकि इतने सालों से यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक नहीं थे,
एक ही व्यक्ति के पास ही इसके चार्ज थे, इन सबको देखते हुए कहीं कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब दोबारा एक तरह से हर चीज़ का रिव्यू होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस प्रारंभिक सेकेंडरी के साथ में प्रारंभिक का काम भी देखा जा रहा था, ऐसी कोई विषय नहीं है। लेकिन अब चूंकि प्रत्यक्ष ही डायरेक्टर लगाया है तो लोगों की अपेक्षाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे टीचर्स हैं या जो दूसरे लोग जो इस एस्पिरेंट्स हैं, उनकी अपेक्षाएं होती है, तो वो जो आते हैं उनसे बात करके जो भी उनकी कोई मांग है, सुझाव है, उस पर गौर करते हैं। तो देखिए, ये थे सीताराम जाट जो कि प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक हैं और जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान सरकार की योजनाओं को लागू करना और उन्हें क्रियान्वित करवाना हमारा प्रमुख काम रहेगा। और जहां 45,500 स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल एक तरह से गहन नज़र रखते हुए उनमें विकास के तमाम तरह के कार्य, जो उससे जरूरत जुड़े कार्य हैं, उन्हें करते नजर आएंगे। के सिंह, बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के इंजीनियरों के साथ काश्तकारों द्वारा मारपीट की घटनाओं के चलते जिला कलेक्टर धरने पर बैठी हैं। इस धरने में अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और कार्य प्रभारी कर्मचारी शामिल हैं। धरने पर बैठे इंजीनियरों ने बताया कि आए दिन इंजीनियर पानी चोरी कर रोकने जाते हैं तो उनको काश्तकारों की अभद्रता का शिकार होना पड़ता है। गाँव में सूचना मिली थी नहर पर मैं अपने उच्च अधिकारियों के साथ और अपने जो साइट पर कुछ विजिलेंस मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था, वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने जो भी अपनी सोल्यूशन हो सकता था उसका किया। उसके बाद उन्होंने विनोद जी मीणा दूसरी साइट पर जो पीछे थे नहर को संभाल रहे थे, उनको जब बुलाया गया हिसाब के निर्देश पर, तो उनके साथ आते ही मारपीट शुरू कर दी, जिसके हमारे पास वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। क्यों मारपीट की है? उन्होंने पीछे कुछ घटना हुई थी, पीछे की उनकी कुछ उनसे नाराजगी है। चोट चोट वगैरह कहाँ लगी? हम यहाँ पे प्रदर्शन करना हमारा जारी है। मैं राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स का अध्यक्ष हूँ, बलराम। हम लोग नहर पे अंतिम छोर पे पानी पहुँचाने का कार्य करने का हमारा ही ड्यूटी रहती है, हम इसके लिए कर्तव्य भी हैं और जाते भी हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों से इतनी घटनाएँ बढ़ गई हैं किसानों के द्वारा कि हम हमारे जो कर्तव्यों की पालना पूरी तरह से कर नहीं पा रहे। पिछली 5 तारीख की बात है, गिरासर वितरिका पर जैन और ऐन के साथ मारपीट हुई, उसमें अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता के मौजूदगी में डिडवाना के विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान डिडवाना दौरे पर रही। इस दौरान यूनुस खान के आवास पर जनसेवा केंद्र पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान डिडवाना विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों लोग अपने अपने गांव और ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर पहुंचे और विधायक यूनुस खान को समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान की मांग की। विधायक खान ने लोगों ने जो समस्याएं रखी उनमें ज्यादातर पानी और बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं थी। समस्याओं को सुनकर जलदाय विभाग और अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि जनता पिछले कुशासन से बहुत ज्यादा त्रस्त थी और स्थानीय स्तर पर डिडवाना विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मुझे नहीं लगता कि कोई जनता की बात को सुनने की कोशिश की। क्योंकि कल पंचायत समिति में मैं गया, लोगों ने कहा हमें तो पहली बार बोलने का मौका मिला है। इवन प्रधान ने ये कहा कि मुझे पहली बार किसी ने हाथ में माइक दिया है और उन्होंने अपनी व्यथा गाई, जो व्यथा बहुत ही दर्दनाक थी। और मेरे सुनने में आया कि भाई उसको फिर प्रशासन ने दबाने का प्रयास किया कि भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दर्द तो कभी न कभी बाहर आके छलकेगा और जो कल छलका है उसको संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। इतना बड़ा दलित महिला के साथ में जो कि यहाँ प्रधान की कुर्सी पर बैठी हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई अलकालामा की प्रेस वार्ता और राहुल गांधी के होने वाली न्याय यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर न्याय यात्रा के नाम पर ढोंग यात्रा निकाल रही है। अगर न्याय देना है तो मेवाराम मामले में पीड़िता है, उसे न्याय दो। अगर न्याय देना है तो पिछले 5 साल में राजस्थान प्रदेश में डूबा है, उस जनता को न्याय दो। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर से बार एक बार ढोंग यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है, न्याय यात्रा उसको नाम दे रहे हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जहां जहां उनका शासन रहा है, खासतौर पर राजस्थान जैसी जगह,
वहां पर उन्होंने अन्याय की पराकाष्ठा राजस्थान की जनता के ऊपर किस तरीके से की थी। अगर न्याय देना है तो मेवाराम से जो पीड़ित है उस पीड़िता को न्याय दे दो, न्याय देना है तो जो भ्रष्टाचार से आकंठ आपकी परेशान जनता थी उनको न्याय दे दो, अगर न्याय देना है तो कांग्रेस पार्टी के अत्याचार से जो परेशान थे उनको न्याय दे दो, न्याय देना है तो जो आपके राज्य में राजस्थान जैसे प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले में नंबर एक पर, बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामले में नंबर एक पर, दुष्कर्म के मामले में नंबर एक पर, बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में नंबर एक पर राजस्थान को आपने पहुंचाया था, तो उस पीड़ित जनता को न्याय दे दो। न्याय यात्रा के नाम पर ढोंग यात्रा करने का काम कांग्रेस पार्टी फिर से कर रही है जैसा पिछली बार किया था। पिछली बार यात्रा निकाली तो राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, इस बार की जो यात्रा है वो पूरे देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर देगी, फिर राहुल गांधी एक थी कांग्रेस यात्रा निकालेगी। बढ़ेंगे आगे। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड के निर्देश पर सतर्कता उपायुक्त संध्या यादव के नेतृत्व में सतर्कता शाखा की आस्था टीम ने जोटवाड़ा जोन एवं मालवीय नगर में अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें 17,500 रुपए के कैरिंग चार्ज पर 12 कैंटर सामान जब्त किए गए। उपायुक्त संध्या यादव ने बताया कि झोटवाड़ा जोन और मालवीय नगर जोन के क्षेत्राधिकार में कार्यवाही करते हुए मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, किंग्स रोड, डीसीएम अजमेर रोड समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटवाया गया है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री की यह मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी और इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल से विचार विमर्श किया। इसके साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के तेजी से विकास, रिक्त पदों को भरे जाने और जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण से संबंधित विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। झुंझुनू जिले के चिरावा कस्बे में मंडरेला बाईपास पर एक पिकअप गाड़ी और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पिकअप चालक झुंझुनू से हरियाणा की तरफ जा रहा था और पिकअप में दो भैंस भी थे। वहीं बाइक सवार मंडरेला से चिरावा की ओर आ रहा था, इसी दौरान मंडरेला बाईपास पर दोनों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद घायल बाइक सवार पत्नी को पिकअप चालक अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बीडी के अस्पताल रेफर कर दिया है। उधर मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। बाराबंकी के सतरिक चिन्हट मार्ग पर सप्तऋषि आश्रम स्थित है। सप्तऋषियों के आश्रम में प्राचीन राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है कि यह महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, सप्तऋषियों ने भी यहीं पर तपस्या की थी। साथ ही भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ यहां शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। बाद में विदेश आक्रमणकारियों ने इस आश्रम का विध्वंस किया था, लेकिन अब अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सतरिक को भी एक बार फिर से सप्तऋषि धाम के रूप में विकसित करके इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, जिसको लेकर यहां के लोगों में काफी उत्साह है। बहुत खुशी की बात है। हम कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जब तक इतना बड़ा गुरुकुल रहा होगा तो कितने विद्यार्थी रहते होंगे, गौशालाएं रहती होंगी और कितने विद्यार्थी शिक्षा दीक्षा हर प्रकार से जो है वेदोच्चारण के साथ में सुबह शाम आरती पूजा होता होगा, यज्ञ होते होंगे, तो ये यहाँ का वातावरण एक दैविक स्वरूप में ही प्रथम स्वर्ग जैसा लगता होगा, जहाँ पर गुरुकुल बन जाता है। वो भी भगवान श्री राम जी का जहाँ पर उनके कदम पड़े और ऐसे महान पुरुष लोगों ने आकर के यहाँ शिक्षा दीक्षा लिया, तो ऐसे भूमि को बहुत बहुत भाग्यशाली ये धरती है जो स्वयं परमात्मा जी जो है विश्व विधाता यहाँ आकर के शिक्षा दीक्षा लिया। उन्होंने हमारे ऋषि मुनि के गौरव बढ़ाया, उन्होंने गुरुकुल की परम्परा के आगे उन्होंने इसका विकास किया कि स्वयं शिक्षा लेकर के आने वाले पीढ़ी को भी संकेतित किया कि वो भी जो है हमारे आकर के एक गुरुकुल की परंपरा में जुड़ेंगे, वो भी यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर के वो जनता की जनता जनार्दन की सेवा करेंगे और इससे जो है हमारे समाज में जो जो मनुष्य का स्वभाव होता है, जैसे कि शाम ये क्या बोलते हैं आपका, जैसे क्षमा हो गया, शील हो गया, दया हो गई, तो ये भावनाएं कहाँ गुरुकुल से ही प्राप्त होती हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, ये सप्तऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है। बगल में माता देवहरा का मंदिर है,
ये बहुत प्राचीन है। अब अगर तारीख पूछी जाए तो शायद हमें क्या हमारे पूर्वजों को भी ना पता होगा, इतना पुराना मंदिर है ये, बहुत विशाल मंदिर है। यहाँ पे आज भी शुक्रवार और सोमवार को अच्छे भले लोग दर्शन के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते हैं और लगभग सभी लोगों रामायण काल के संदर्भ में बाराबंकी जनपद अयोध्या धाम के बहुत नज़दीक होने के कारण अयोध्या राज्य का अंश था। जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1904 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1967 में यह लिखा हुआ है कि रामायण काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ इस सतरिख में जो महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था वहां रह करके उन्होंने अध्ययन किया था। सोनभद्र में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गांजे की बड़ी खेप के साथ बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांजे की यह खेप उड़ीसा से प्रयागराज डीसीएम में कबाड़ के बीच छुपाकर ले जाई जा रही थी, तभी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, आज जनपद सोनभद्र में थाना साहगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने मिलकर एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग को पकड़ा है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। तीनों नई उम्र के लड़के हैं, 2 इनमें उड़ीसा के रहने वाले हैं और एक उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का रहने वाला है। इनके पास से एक डीसीएम में लोहे के कबाड़ के सामान के साथ में 144 किलो गांजा पुलिस को बरामद हुआ है। जो गाड़ी थी, गाड़ी में कबाड़ और मशीनें, स्क्रैप इत्यादि ले जाने की बिल्टी कागजात इन्होंने बना रखे थे, जो गाजियाबाद में सप्लाई करना था, उसी की आड़ में इन्होंने इसमें गांजा छुपा रखा था जो इनको प्रयागराज में सप्लाई देना था। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 3 को पुलिस ने वांछित किया है। एक गाड़ी का मालिक, एक जो उड़ीसा से गांजे को लोड कराया है और तीसरा कौसाम्बी का। चंदौली में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में गांव के एक ही परिवार के 4 युवकों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। पुलिस ने घायल महिलाओं को एम्बुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने महिला की हालत देखते हुए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। अमुक वीडियो ग्राम अर्जी चौकी क्षेत्र सैदूपुर थाना चकिया अंतर्गत का है। इस पक्ष में एक ज़मीन को लेकर 2 पक्षों के मध्य विवाद है, जिसमें न्यायालय में मुकदमा प्रचलित है। दोनों पक्ष अमुक तिथि को फौजदारी पर आमादा हो गए, जिस पर दोनों पक्षों पर 151 की कार्यवाही की गई प्रचलित है तथा NCR दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पंजाब में NIA के तरफ से फिरोजपुर जिले में 3 टीमें बनाकर अलग अलग जगह पर रेड की गई है। बाबा राम लाल नागर सुखदीप सिंह के घर सुबह NIA की रेड की ओर घर की तलाशी ली गई। सुखदीप सिंह की पत्नी ने बताया कि नशे को लेकर NIA ने यह जांच की है। दूसरी रोड फिरोजपुर मोगा रोड पर कृष्ण इंक्लेव में पंजाबी कलाकार और सरकारी टीचर हरिंदर भुल्लर के घर पर हुई है। तीसरी रेड जुरा के गाँव बघेले वाला में परमिंदर सिंह के घर पर रेड हुई, जिसके ऊपर कत्ल के काफी मामले दर्ज हैं। हैदराबाद के जीडी मटीला थाना क्षेत्र श्रीकृष्ण फैब्रिकेशन कंपनी के सामने एक व्यक्ति ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि मेदक जिला अकोंडापुर में कुछ दिन पहले श्रीकृष्ण फैब्रिकेशन कंपनी के मालिक सत्यनारायण और श्रीनिवास के काम को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद को लेकर पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। प्रो कबड्डी लीग की पिंक पैंथर टीम 4 साल बाद अपने मैदान पर खेलती नजर आएगी। इस बार प्रो कबड्डी लीग की मेजबानी पिंक पैंथर टीम कर रही है। टीम के ओनर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि जयपुर में टीम को खासा प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए अगर आप भीड़ में मैच का लुत्फ लेना चाहते हैं तो जयपुर जरूर आए। प्रो कबड्डी लीग 12 से 17 जनवरी तक आयोजित होगी, जिसके मैच कल से जयपुर में खेले जाएंगे। वही खास बात आपको बता दें, 15 तारीख को होने वाले मैच मुंबई टीम के साथ खेला जाएगा, जो पिंक पैंथर के 1000वां मैच होगा। तो
कल हमारा पहला होम मैच है तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस के जो कैप्टन हैं पवन शेरावत, सबसे पहले उन्हें मैं बधाई देना चाहूँगा। अर्जुन अवार्ड उन्हें परसों मिला है, कल मुझे जयपुर के एयरपोर्ट में भी मिले थे। और तेलुगु के जो कोच साहब हैं श्रीनिवास रेड्डी जी, वो हमारे कोच भी रहे हैं। पिछली बार जब हम लोग जयपुर में खेलने आए थे, श्रीनिवास रेड्डी जी हमारे कोच थे, एक पारिवारिक सा रिश्ता है उनके साथ। प्लानिंग हमने की है, कोशिश यही करेंगे कि अच्छे से खेलें और जीत के मैट पे जो है जो कुछ भी दिखाना है तेलुगु टाइटंस को दिखाएं। तेलुगु टाइटंस और हमारे जितने भी बाकी जितने टीम्स हैं उन सबका जयपुर में स्वागत है। जयपुर और राजस्थान के लोगों को इस वजह से जाना जाता है कि वो बहुत ही हॉस्पिटेबल और वेलकमिंग है। वो वेलकमिंग स्पिरिट, वो हॉस्पिटैलिटी, वो हमारा जो एटीट्यूड है अतिथि देवो भव, वो मैट के बाहर तक ही रहने वाला है। एक बार आप मैट पे उतरेंगे फिर आपको एहसास होगा कि जयपुर पिंक पैंथर्स क्या करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बीते दिन शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पैतृक गांव जाकर श्रद्धांजलि दी। बता दें ददरौल के बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का 5 जनवरी को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। सीएम योगी ने कहा कि विधायक मानवेंद्र सिंह हमारे परिवार के सदस्य थे, उनके निधन में पार्टी को भारी क्षति हुई है। इस दौरान कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, मंत्री सुरेश राणा समेत जिले भर के विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चैगन राज्य के प्रधानमंत्री पेट्री फयाल आज राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चैगन राज्य के प्रधानमंत्री पेट्री फयाला से मुलाकात की। और इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार मौजूद रहे। चैगन राज्य के पीएम और सीएम भजनलाल के बीच बैठक में पर्यटन और लघु उद्योग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद रहे हैं और यह मुलाकात सीएम भजनलाल के बीच हुई है। इस खास बैठक में पर्यटन लघु उद्योग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और ये तस्वीरें खास तौर पर आप देख सकते हैं, चैगन राज्य के पीएम से सीएम भजनलाल की यह खास मुलाकात। और यह मुलाकात अपने आप में अहम है, क्योंकि जो बैठक हुई, जो भजनलाल शर्मा के साथ जो मुलाकात हुई है, उसमें कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग बैठक की है और विभाग के 100 दिवसीय कार्य योजना, शाला दर्पण पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्यप्रणाली सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बता चले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि आमजन की ओर से दिए गए सुझावों के आधार पर विभाग में सुधार के लिए निरंतर पहल की जाए। इसके अलावा लोगों की शिकायतों और साथ ही प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सजगता से कार्य किया जाए। जो काम मिला है उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके इसी कार्य योजना बनाएंगे। शिक्षा विभाग में जो बच्चों के हित में होगा और पंचायत राज में जो आम जन के हित में होगा, सब कुछ करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।